मेरे पास ये आयरन का रॉड है, आयरन का रॉड। इस आयरन के रॉड को मैं ऐसे टेबल पे लिटा दूंगा और अपने हाथ में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेकर आऊंगा। आप सभी को पता है मैग्नेट का रेड वाला पोर्शन नॉर्थ होता है और ब्लू वाला पोर्शन साउथ होता है। मान लो मेरे हाथ में ये मैग्नेट पकड़ा हुआ है, इस मैग्नेट का कोई भी एक किनारा, चाहे नॉर्थ ले लो चाहे साउथ, कोई भी एक किनारा रॉड के नजदीक कर दो। एक बार जो कर दिया उसको चेंज नहीं करना, फिर उसके बाद ऐसे करना। ध्यान से देखो, मान लो मैंने नॉर्थ को यहाँ रॉड से टच करा, ऐसे खींच के ले जाऊंगा इसको, खींच के ले गए किनारे पर चला गया, फिर वहां से दूर से उठा के लाऊंगा, दूर से उठा के फिर से वही जोड़ देना है, नॉर्थ ही जोड़ना है, फिर से ऐसे, फिर से ले गया, फिर से दूर से उठा के फिर से लेकर आया, फिर से ले गया, फिर से दूर से उठा के फिर से लेकर आया। लेकिन एक बात याद रखना, आपके जिस हाथ में ये रॉड पकड़ी हुई है उस हाथ में आपके जो घड़ी लगी हुई है वो लोहे की चेन वाली घड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई घड़ी बंदी नहीं होना चाहिए, हाथ में कड़ा नहीं डालना चाहिए लोहे का, तब ये फिर से सुन। तो मैंने इसको बार बार इस प्रोसेस को रिपीट करना है, एक ही सिंग नॉर्थ पोल ही टच करना है, सिंगल टच, नॉट के दूसरा किनारा नहीं टच कर देना, डबल टच नहीं कर देना, सिंगल जो शुरू कर दिया वही करना है बार बार। कितनी बार करना है? मोर देन 50 टाइम्स, 50, 50 बार ऐसे करना है आपने। लोहे के सरिये को ले लो या पत्ती ले लो या स्ट्रिप ले लो, ऐसे ऐसे जब ऐसे आपने कर दिया, इस मैग्नेट को दूर रख दो। अब ये मैग्नेट कन्वर्ट हो चुका है, कैसे चेक करेंगे? लोहे का पिन लेकर आएंगे, इसके साथ चिपकाएंगे लोहे का पिन और देखेंगे गिरता है तो वो गिरेगा नहीं। इसका मतलब ये वाला लोहे का पीस हमारे मैग्नेट के प्रभाव में आकर चुंबक बन चुका है। इसको बोलते हैं सिंगल टच मेथड। कितने बच्चों को ये समझ आ गया कि यस सर मैं कर लूंगी या कर लूंगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। बहुत अच्छे, बस आपने इंग्लिश में इसको लिखना है पेपर में। कैसे? देखो अब मैं इसको इंग्लिश में बोल के दिखाऊंगा। आप बोलोगे टेक दी आयरन रोड, प्लेस इट ऑन द वुडन टेबल, वुडन टेबल पे रख दो, हाथ में भी पकड़ने की जरूरत नहीं। नाउ टेक दी मैग्नेट सच दैट नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज टचिंग वन रॉड ऑफ द आयर वन एंड ऑफ द रॉड एंड कीप इट स्लाइडिंग फ्रॉम फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। व्हेन इट रीचेस द राइट हैंड पिक अप द मैग्नेट, कीप इट अवे एंड अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस। व्हेन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मोर देन 50 टाइम्स, 50 टाइम्स, इट हैज बीन कन्वर्ट नोटेड लेटर दिस सिंपल आयरन रॉड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नेट। इसमें प्रिकॉशन क्या लिखनी है? प्रिकॉशन ये लिखनी है कि जब आप इसका आयरन रॉड को घिसाते हो ना, मैग्नेट को रब करते हो इसके ऊपर, गलती से भी आपका पोल चेंज ना हो जाए। अगर चेंज हो गया फिर ये मैग्नेट नहीं बनेगा। ओके, तो ये थे आपके दो मेथड जिससे आप मैग्नेटाइजेशन कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर बेटे? बोलो यस और नो, वेव योर हैंड। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक और आर्टिकल, एक और आर्टिकल पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है बच्चे? उसका नाम है, क्या नाम है उसका? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। लिखो सभी बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनो ये क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड। योर अटेंशन, मैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय, फील्ड का मतलब क्षेत्र, कितना जगह है। अब इसको समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास ये एक मैग्नेट पड़ा है, ये एक मैग्नेट पड़ा है बच्चे, जिसका एक किनारा नॉर्थ है, एक किनारा नेचुरली साउथ पोल है, और नॉर्थ पोल वाले को हम, आपको पता है, रेड कलर से दिखाया करते हैं।
और साउथ पोल को सभी बच्चों को पता है ब्लू कलर से दिखाते हैं। ओके, तो मैंने ये मैग्नेट बना दिया। अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि इसके मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है। बेटे ध्यान से सुनना, मैग्नेट के इर्द गिर्द ऊपर नीचे फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट साइड राइट साइड सारी तरफ एक थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर अंदर ये मैग्नेट अपना प्रभाव दिखा सकती है। जिस मैक्सिमम थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर अंदर ये मैग्नेट अपना प्रभाव दिखा सकती है। अब बच्चा कहेगा सर प्रभाव का क्या मतलब? असर दिखा सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। सर उसका क्या मतलब? कैसे दिखाएगी प्रभाव? सुनो, अगर मैंने यहां पर लोहे का पिन रख छोड़ा तो उसको खींच लेता है ये मैग्नेट। इसका मतलब वो लोहे का पिन इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैंने यहां की बजाय यहां रख दिया दूर करके, वहां छोड़ा मैं लोहे के पिन को तो भी इसने खींच लिया, थोड़ा और दूर कर दिया, यहां अब नहीं खींच पा रहा। इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो गया। पर इस मैग्नेट को सेंटर में रखते हुए सारी तरफ चारों तरफ जो मैक्सिमम स्पेस होएगा जिसके अंदर अंदर ये मैग्नेट किसी लोहे के पीस के ऊपर अपना अट्रैक्टिव प्रभाव का असर दिखा सके, उस पूरी स्पेस को इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मैग्नेटिक फील्ड, राइट? डेफिनेशन लिखो, शाबाश शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट कॉमा अराउंड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट कॉमा अराउंड द मैग्नेट कॉमा इज द मैक्सिमम, इज द मैक्सिमम थ्री डायमेंशनल स्पेस, इज द मैक्सिमम थ्री डायमेंशनल स्पेस हाँ करो बेटे, इज द मैक्सिमम थ्री डायमेंशनल स्पेस कॉमा विद इन विच, जिसके अंदर अंदर विद इन विच मैग्नेट कैन शो इट्स अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, इट्स अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन दी पीस ऑफ आयरन, ऑन दी पीस ऑफ, पीस का मतलब पिन भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ऑन दी पीस ऑफ आयरन। मैग्नेट के इर्द गिर्द को मैक्सिमम थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसके अंदर अंदर मैग्नेट अपना प्रभाव दिखा सकती है, वो भी क्या प्रभाव? कैसे? लोहे के पीस को अपनी तरफ खींच के या उसको एटलीस्ट हिलाकर। हाँ जी, अब बेटे हमने दूसरा पॉइंट पढ़ना है, डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन क्या होता है? शाबाश, जल्दी से पढ़ दें। डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन मैग्नेटाइजेशन का अपोजिट है। इसका मतलब है अपोजिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अपोजिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन का क्या मतलब हुआ बेटे? कोई बच्चा बोलेगा सर मेरे को समझ आ गया, आई सेड कैसे? बच्चा बोलेगा सर मैग्नेटाइजेशन में आप लोहे के पीस को मैग्नेट बनाते थे, लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन में जो चीज ऑलरेडी मैग्नेट बन चुकी है उसको नॉर्मल लोहे का पीस बनाना है। क्या करना है इस प्रोसेस में? जो चीज ऑलरेडी मैग्नेट बन चुकी है उसको वापिस आयरन का पीस बनाना है। ये वाले प्रोसेस को डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन का अपोजिट वर्ड, रिवर्स मैकेनिज्म। अब डीमैग्नेटाइजेशन के मेथड क्या है, तरीके क्या है? ध्यान से सुनो इसके मेथड। पहला मेथड, आप
समझ लो बेटे, मैग्नेट को पकड़ो, मैग्नेट को पकड़ो और उसको कैंडल से गर्म कर दो काफी देर तक, हीट अप, काफी देर तक आप उसको गर्म कर दो, वो मैग्नेट नॉर्मल लोहे का पीस बन जाएगा। घर में कर भी सकते हो आप, आपका मैग्नेट खराब हो जाएगा अगर आपने उसको गर्म कर दिया। दूसरा, आप उस मैग्नेट को हाथ में पकड़ के उसको जमीन पे जोर से पटक दो, स्ट्राइक इट अगेंस्ट, स्ट्राइक इट अगेंस्ट फ्लोर फोर्सफुली, जोर से पकड़ दो, दो तीन बार फेंक दो, ठीक द्वारा लोहे का पीस बन जाएगा। पता लग गया बेटे, वो लोहे का पीस द्वारा बन जाएगा। और क्या होता है, आप एक हथौड़ी ले लो, हथौड़ी, उस हथौड़ी से आपने क्या करा, हथौड़ी से आपने क्या करा, इस मैग्नेट के ऊपर बार बार हिट करा, हैमरिंग करी, हैमरिंग। तो ये जो नॉर्थ और साउथ वाला मैग्नेट है, दो चार हथौड़े मारने से दोबारा लोहे का पीस बन जाएगा, जोर से मारने हैं। लेकिन तो कौन से मेथड हुई, हीट करने पर, और कौन से, जमीन पे जोर से पटकने पर, और कौन सा, जोर जोर से हथौड़े मारने पर। इनसे हम डीमैग्नेटाइजेशन कर सकते हैं, ओके। या एक चीज और भी हो सकती है, इस मैग्नेट को पकड़ के जोर से आसमान की तरफ फेंक दो, जब वो दोबारा गिरेगी, मान लो आप बास्केटबॉल के ग्राउंड में मैग्नेट को ले जाओ, आसमान में जोर से फेंक दो, उसको जमीन पे गिरने दो, तब भी वो लोहे का पीस बन जाएगा नॉर्मल। ये सारे मेथड थे डीमैग्नेटाइजेशन। समझ आया बच्चे, यस और नो, यस और नो, वेव योर हैंड राइट हैंड इफ यस। ओके, असाइनमेंट निकालो जल्दी से, असाइनमेंट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक कार ए बी, दोनों कारें दे रखी हैं, ओके बेटे, तो इनमें से चारों ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही होगी। कार इन ए, कार वन एंड टू विल कम क्लोजर, बोलो कार ए में वन और टू क्लोजर आएंगे कि नहीं आएंगे। एक कार यहाँ पर है, बी कार यहाँ पर है, सी कार कहाँ पर है, दो कार ही है बस ना। ए सिचुएशन में कार नंबर वन कहाँ पर है बेटे, या इसको छोड़ दो पहले, अब कार नंबर वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, उसका नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, कार नंबर टू नॉर्थ इधर साउथ इधर, कार नंबर थ्री नॉर्थ इधर साउथ इधर, कार नंबर फोर साउथ इधर नॉर्थ इधर, उल्टा दे रखा है फोर में। अब कहां कहां पर अट्रैक्शन होगी, रिपल्शन होगी, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ को रिपेल करेगा, ये साउथ ईस्ट साउथ को रिपेल करेगा, ओके। दूसरा पॉइंट, ये वाला साउथ और नॉर्थ डिसिमिलर पोल है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ये वाले आपस में रिपेल करेंगे, गॉट इट। और देखो, ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाले हैं दोनों, कौन से वाले, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सिमिलर पोल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे की तरफ भागेंगे, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे आपने एरो लगा लेने हैं पहले, फिर उसके बाद आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, कहां पर अट्रैक्शन होगी, कहां पर रिपल्शन होगी, आपको आसानी से पता लगा। फर्क सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, डिससिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल साउथ और साउथ रिपेल करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ भी हमेशा रिपेल करेंगे, सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, डिससिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर अट्रैक्शन होगी जहां एक साउथ और नॉर्थ नजदीक नजदीक होंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलो बेटे पढ़ो, सेकंड में क्या है, थ्री मैग्नेट्स एबीसी वर डिप्ड वन बाय वन इन द हीप ऑफ द आयरन फिलिंग, द अमाउंट ऑफ द आयरन मिलिंग स्टिकिंग टू देम
स्ट्रेंथ ऑफ कौन से जगह पर स्ट्रेंथ मैक्सिमम है? जहां पर लोहे के कण ज्यादा चिपक जाएंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। बोलो सबसे देखो ज्यादा लोहे कहाँ चिपके हुए हैं ऑलमोस्ट बेटे? ऑलमोस्ट ए के ऊपर सबसे ज्यादा लोहे के कण चिपके हुए हैं, ओके। उससे कम किस कहां पर है? बी के ऊपर, ओके। बी तो इसमें सी भी दिखा रखा है लेकिन हमारे पास सी मैग्नेट फिगर में दिखाया ही नहीं हुआ है ना, भूल गया वो दिखाना, छोड़ दो बस। तो आप कहोगे ए के किनारों पर ज्यादा आयरन फिलिंग्स है पोल्स के ऊपर, इसलिए ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। ए अच्छा इज स्ट्रॉन्गर देन बी, कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए की ऑप्शन है जिसमें ए को स्ट्रॉन्गर दिखा रखा है सेकंड में, ए ऑप्शन। देखो ए ऑप्शन में ए को स्ट्रॉन्गर दिखा रखे। नेक्स्ट देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में आ जाओ। स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्टिविटी वेयर ए लेबल्ड बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड यूजिंग ए थ्रेड। ब्रॉट अनदर मैग्नेट वेयर द पोल्स आर नॉट मार्क्ड। एज ही टुक इट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट ही नोटिस्ड इट मूव्ड अवे। तो जो अपनी बार लेकर आया और लटकी हुई मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास लेकर आया, तो ये इसने नॉर्थ पोल मैग्नेट को परे धकेल दिया। इसका मतलब हमारी मैग्नेट का ये वाला किनारा क्या होएगा बताओ? शाबाश अर्जुन, आ रोल नंबर वन। ये वाला पोल कौन सा होएगा, नॉर्थ या साउथ? देखो बेटे आपको मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखो, ये एक, सिर्फ हाँ नॉर्थ। ये देखो ये मैग्नेट लटका हुआ है, ये मैग्नेट लटका हुआ है और मेरे पास ये लोहे का, मेरे पास अनदर मैग्नेट है। मेरे को पता ही नहीं लगता कि इसका ये पोल कौन सा है नजदीक वाला, पर जैसे ही मैं इसके पास लेके आता हूं तो ये रेड वाला नॉर्थ पोल परे को भाग गया, ऐसे परे को भाग गया। इसका मतलब मेरे मैग्नेट का ये वाला किनारा कौन सा है, नॉर्थ ही है, क्योंकि नॉर्थ ही नॉर्थ को धक्का मार सकता है। सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, क्लियर है? यस और नो? तो आप कहोगे हमारी मैग्नेट का ये वाला किनारा नॉर्थ है जो नजदीक आया। ये क्वेश्चन नंबर थ्री था हमारे पास, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फोर में आओ। क्वेश्चन नंबर फोर, शाबाश। ए स्टूडेंट रिक्वायर्स टू मैग्नेट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस फॉर ए साइंस प्रोजेक्ट। ही कुड फाइंड ओनली वन मैग्नेट, दस ही डिसाइडेड टू मेक अनदर मैग्नेट फ्रॉम इट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ही शुड फॉलो इट। कौन सी तरीके से वो दूसरी मैग्नेट बना लेगा, एक मैग्नेट से दूसरी मैग्नेट? प्लेसिंग ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड अबव द मैग्नेट। क्या गत्ते को मैग्नेट पे रखने से गत्ता मैग्नेट बन जाएगा, यस और नो? नो, नो क्या बात। प्लेसिंग ए नेल क्लोज टू द मैग्नेट विदाउट टचिंग इट। टेक द आयरन पीस ऑफ रेल एंड रब इट रिपीटेडली ऑन द मैग्नेट। रैपिंग द पीस ऑफ प्लास्टिक अराउंड द मैग्नेट फॉर ए फ्यू आवर्स। तो कौन सा सही ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? बोलो बोलो, बोल के बताओ। अगर थर्ड है तो तीन उंगली कर बताओ, अगर सेकंड है तो सर। हाँ शाबाश, इसका थ्री है। अगर आपने लोहे का नेल ले लिया और उसको बार बार उस लोहे के नेल के ऊपर आपने इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल घिसाया ऐसे बार 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 बार, तो सिंगल टच मेथड से ये आयरन नेल चुंबक बन जाएगा। क्वेश्चन अच्छा नंबर फाइव, शाबाश। क्वेश्चन नंबर फाइव, ए बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन द हीप ऑफ आयरन फिलिंग, पुल्ड आउट अमाउंट ऑफ द आयरन क्लिंगिंग टू इट। ध्यान से सुनो, एक मैग्नेट को हमने लोहे के बने भरे भरे हुए आयरन फिलिंग्स में, आयरन फिलिंग, फिलिंग्स का मतलब होता है बुरादा, लोहे के कण, उसमें डिप करके बाहर निकाल लिया। कह रहा है ये जो मैग्नेट है आप बताओ कहां पर सबसे ज्यादा चिपकेंगे, सबसे कम कहां पर चिपकेंगे? सबसे वहां वहां चिपकते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है,
मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहां पर होता है बेटे? हमेशा पोल्स के ऊपर होता है, पोल्स के ऊपर। इसका मतलब ये जो आयरन फिलिंग अंदर पड़े हैं सबसे ज्यादा कहाँ चिपकेंगे? साउथ पोल पे। और कहाँ चिपकेंगे? नॉर्थ पोल पे। ओके, तो साउथ और नॉर्थ पोलों में से ज्यादा कहाँ चिपकेंगे? आप कहोगे सर एक मैग्नेट के दोनों पोल्स की ताकत बराबर होती है। इसका मतलब जितने नॉर्थ पोल पर चिपकेंगे उतने ही साउथ पोल पर चिपकेंगे, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है उसमें आपके थोड़े कम चिपकेंगे। ओके, तो कहां पर ज्यादा चिपकेंगे, कहां पर कम चिपकेंगे, समझ आ गया? यस और नो बोलो, यस यस और नो। यस तो इसका इंग्लिश आंसर क्या बनेगा? मगर आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू द आयरन मैक्सिमम एट द पोल्स बिकॉज एट द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, बट बोथ द पोल्स ऑफ एनी गिवन मैग्नेट आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब जितने आयरन फिलिंग नॉर्थ पे चिपकेंगे उतने ही साउथ पे चिपकेंगे, पर उन दोनों के मुकाबले कम चिपकेंगे मैग्नेट के सेंटर में या किसी और एरिया में। गॉट इट? शाबाश। अगला पॉइंट आ गया क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स बेटे, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट कौन सी डायरेक्शन में होता है हमेशा? धागे से अगर मैग्नेट को लटका दिया जाए तो कौन सी डायरेक्शन में टिकेगा? शाबाश शाबाश, बहुत बच्चे हाथ खड़ा करो अगर बता सकते हो। हमने कंपास का प्रिंसिपल पढ़ा था, बिल्कुल सही, मैं समझ गया आपको आता है। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो होती है बेटे वो ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जिस तरफ हमारी मैग्नेट का नॉर्थ होएगा उधर ज्योग्राफिक नॉर्थ होएगा धरती का, जिधर साउथ होगा उधर धरती का साउथ होएगा। तो आंसर क्या बना? अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इज व्हेन लेट टू फ्री इन द नॉन मैग्नेटिक स्पेस देन इट इज बाउंड। द नॉर्थ ऑफ अवर मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑफ द अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो गया? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन। तो जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं प्लीज वेव योर राइट हैंड, प्लीज वेव योर राइट हैंड। जिनको ये समझ आ गया है, एबल के बच्चे, मैं एबल के बच्चों से पूछ रहा हूँ, बाकी दोनों बच्चे बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, एबल के बच्चे मेरी बात ही नहीं सुन रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन पे आओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए शिप हेल्प्स टू मूव इन द राइट डायरेक्शन? इनमें से कौन सी चीज से शिप में? शाबाश, अगर आपका आंसर फोर्थ है तो फोर फिंगर्स दिखाओ। वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे फोर फिंगर दिखा रहे हैं कि ये वाली चीज कंपास होती है, कंपास। वेरी गुड शाबाश। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हिट द मैग्नेट विद द हैमर? अगर वेरी गुड वेरी गुड, जो बच्चे सोचते हैं इसका ऑप्शन कौन सा है कि डीमैग्नेटाइज हो जाएगा मैग्नेटाइज, जो बच्चे इसका ऑप्शन बी बी ऑप्शन सोचते हैं वो हाथ खिलाओ, बी ऑप्शन। वेरी गुड वेरी गुड, तो वेरी गुड बी। अच्छा एक मैग्नेट को बार बार हथौड़े से मारने से उसका चुंबक खत्म हो जाता है, वो नॉर्मल पीस बन जाता है। यस यस क्वेश्चन बोलो। था कि जो अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ के साइड पर फेस करता है, पर हमें तो साउथ जियोग्राफिकल करवाया हुआ है। देखो देखो, ये बच्चा कंफ्यूज हो गया, करवाया हुआ है क्या नहीं करवाया वो ध्यान से सुनो। ये बच्चा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन नंबर सिक्स में, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटे। अगर आपने बार मैग्नेट को हैंग कर दिया, ध्यान से सुनना, मान लो इस बार मैग्नेट का ये वाला नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, ठीक है? तो हमारी मैग्नेट का जो नॉर्थ होता है वो नीचे जो हमारी धरती है ना, धरती अर्थ,
उस मैग्नेट के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ भी पॉइंट करता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ, और हमारी मैग्नेट का साउथ धरती के ज्योग्राफिक साउथ की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, हमारी धरती के अंदर एक बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल मैग्नेट मैग्नेट छुपा हुआ है, बार मैग्नेट। वो जो बार मैग्नेट पड़ा है ना, उस मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इधर पड़ा है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और उसका मैग्नेटिक साउथ इधर पड़ा है, मैग्नेटिक। ये इसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं तो बेटर होएगा। एक मिनट, तो ये जो साउथ है ना अर्थ का बेटे, मैग्नेट, ये साउथ हमारे मैग्नेट के नॉर्थ को खींच के ले जाएगा। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल, वो हमारे मैग्नेट के साउथ को खींच के ले जाएगा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अर्थ के साउथ मैग्नेटिक और अर्थ का नॉर्थ आपस में अपोजिट पड़े होते हैं, अपोजिट। तो इसका मतलब हमारी मैग्नेट का नॉर्थ धरती के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, तो आपके टीचर ने भी सही लिखा है, लेकिन आप मैग्नेटिक और ज्योग्राफिक में कंफ्यूज हो गए होगे, इसलिए आपको गलती लग रही। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। व्हाट? अच्छा, 8 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ बेटे। 9, शाबाश, रीड इट, क्वेश्चन नंबर 9, शाबाश बेटे। हाउ मेनी अच्छा नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर प्रेजेंट इन द मैग्नेट इफ मैग्नेट इज कट इनटू 6 पीसेस? अगर एक मैग्नेट 6 पीसेस में कट करा तो कितने मैग्नेट बन गए? 6 मैग्नेट। एक मैग्नेट बेटा, पोल होते हैं 2, तो 6 × 2 कितना बना? जो बच्चे 9th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सोचते हैं 12, वो हाथ वेव करो। शाबाश 12, बहुत अच्छे, तुम बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 10 पे, क्वेश्चन तो नंबर 10 पे बेटे। क्वेश्चन नेचुरल में व्हाट इज द नेचुरल मैग्नेट नोन एज, नेचुरल बोलो, ऑप्शन बताओ मैग्नेट बेटे। फर्स्ट ऑप्शन 1 बोलो, सेकंड ऑप्शन है मैग्नेटाइट, तो सेकंड, बिल्कुल मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टोर ए मैग्नेट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम लूजिंग मैग्नेटिज्म? नंबर इलेवन हाँ जी बोलो बेटे। सर इसमें एक बात और सुनो बेटे, जो 11th क्वेश्चन है ना, 10th क्वेश्चन बोलो बेटे, 10th 10th क्वेश्चन में आप लोड स्टोन भी बोल सकते हो इसको। दो ऑप्शन इसमें सही कर दिए हैं, इसमें लोड स्टोन भी बोल सकते हो बच्चे इसको, नेचुरल नाम है ये मैग्नेट का, एक ऑप्शन लिखी होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टोर ए मैग्नेट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम लूजिंग मैग्नेटिज्म? एक मैग्नेट को कैसे रखोगे कि वो मैग्नेट बना रहे लंबे टाइम तक? आप उसको धूप में रख दो, आप उसको ठंडी जगह पे रख दो, आप इसको दूसरी मैग्नेट के साथ चिपका के रख दो, आप इसको गीले कपड़े में रखो, बोलो कौन सा ऑप्शन बेटे? अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो 1, ए बी ऑप्शन है तो 2, बोलो जल्दी बोलो। अगर थर्ड ऑप्शन है तो फिंगर 3 करो। स्पेलिंग स्पेलिंग्स रॉन्ग कौन से के? अच्छा सर कौन से क्वेश्चन में बोल रहे हो बेटे? आपका माइक ठीक नहीं है, ऑरा क्लास का माइक ठीक नहीं है बेटे, आपका आवाज ही नहीं सुन रहा, इंटरमिटेंट सिग्नल आ रहा है, थोड़ा सा सर सुनता है उसके बाद सुनता ही नहीं कुछ।
अर्जुन को माइक ऑन करना चाहिए, एबल को माइक ऑन करना चाहिए, दोनों सेक्शंस के ऑफ है माइक। बेटे आप नहीं सुन रहा, आवाज नहीं सुन रहा, आप आपके लिप्स क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? क्या चलो छोड़ो, तो आपको मैग्नेट को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 12, टुगेदर का मतलब होता है सिमिलर। पास पास लेकर आए तो ये साउथ इसको शाबाश, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 12th का। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बेटे, आप क्वेश्चन नंबर 10 में स्पेलिंग ठीक कर लेने चाहिए आप बिल्कुल से। क्वेश्चन 13 में, मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट सर्टन ऑब्जेक्ट्स विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। मैग्नेट टच करें कुछ जगह चीजों को अपनी तरफ खींच सकती हैं, यस और नो? मैग्नेट, बेटे एक बात बताओ, अगर ये मैग्नेट है और लोहे का पीस इससे टच भी नहीं हुआ, थोड़े डिस्टेंस पर है, क्या ये खींच लेगा इसको? यस, तो इसका मतलब है 11th 13 का असम्पशन सही है। मैग्नेट्स क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स विद इन इट्स इन्फ्लुएंस। शाबाश, रीजन भी सही है, असम्पशन भी सही, रीजन भी सही। क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश, 14 में, ब्रेकिंग बार मैग्नेट इन टू पीसेस विल रिजल्ट इन टू मैग्नेट्स ईच विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर एक मैग्नेट को तोड़ देंगे दो हिस्सों में तो दो मैग्नेट्स बन जाएंगी, ट्रू ट्रू, रीजन में ट्रू है। मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यू कैन नॉट हैव पेयर्स। शाबाश, रीजन भी सही। मैंने आपको बताया था एक मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट कभी नहीं कर सकते, नॉर्थ और साउथ पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, तोड़ देंगे दो मैग्नेट, लेकिन ये आपस में अलग रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाई टेंपरेचर काजीज मैग्नेटिक डोमेन्स विद इन मिनट टू बिकम डिसऑर्डर्ड। यस, टेंपरेचर बढ़ने से मैग्नेटिक हो जाता है, इसीलिए उसके डोमेन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ट्रू, वी कैन नेवर मेक मैग्नेट फ्रॉम बार मैग्नेट। हम लोहे के पीस को मैग्नेट, इसका मतलब शाबाश, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, एक्सक्यूज मी सर, यस, देयर इज अ क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक पेपर क्लिप, हाउ कैन यू मेक दैट रिएक्शन स्ट्रॉन्गर विदाउट चेंजिंग द बेटे मैग्नेट को गर्म करने से तो मैग्नेट कमजोर होता है। मैग्नेट? अगर मैग्नेट अच्छा, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो?
क्वेश्चन क्वेश्चन 8, व्हाट हैपेंस व्हेन वी हिट ए मैग्नेट विद ए हैमर। ये है बेटे क्वेश्चन 8। तो आप कौन सर सा, इट इज, एक्सक्यूज मी सर, इट इज रीजनिंग एट्थ क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन दैट इज एट। रीजनिंग में क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा नीचे पहुंच गए हैं। ए मैग्नेट इज अट्रैक्टिंग ए पेपर क्लिप, हाउ कैन यू मेक द अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर विदाउट चेंजिंग द मैग्नेट। एक मैग्नेट लोहे को, जो चिपकाने वाला लोहे का पेपर पिन होता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप कैसे कर सकते हो कि ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, मैग्नेट को चेंज नहीं करना। वेरी सिंपल, आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए बेटे। अगर ये एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, यहाँ पर आयरन का पिन पड़ा है, ये उसको खींच रहा है, पर आप चाहते हो ज्यादा अच्छे से खींचे, तो मैग्नेट वही रखना है, तो आपको ये लोहे का पिन इसके यहाँ के मुकाबले नजदीक रखना पड़ेगा। इट शुड बी प्लेस्ड क्लोजर, ऐसे बोलोगे सर आप। इफ द आयरन पिन विल बी क्लोजर देन नॉर्थ पोल विल शो बेटर अट्रैक्शन। जानते हो क्यों? क्योंकि चुंबक से जितना जितना दूर हटते जाओ, उसका मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाता है। इसका मतलब अगर पिन को आपने पास रखा, तो आपने स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। अगर नेवर अलाइन इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। गलत। जाएंगे रीजन, द अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स लाइक ए जायंट मैग्नेट विद इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ पोल लोकेटेड नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ये भी गलत, अपोजिट होते हैं। अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ एक तरफ होते हैं, अपोजिट होते हैं अर्थ के अंदर। रीजनिंग क्वेश्चन में और आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, व्हाट हैपेंस टू इट्स पोल्स। तो आप कहोगे बेटे, अगर एक मैग्नेट है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, आपने बीच में से कट कर दिया, तो ये दो मैग्नेट बन जाएंगे, ये दो मैग्नेट बन जाएंगे, लेकिन कभी भी इनके पोल्स सेपरेट नहीं होंगे अगर यहां से कट करा। क्वेश्चन नंबर 1 है रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 पे, व्हाट डज ए कंपास नीडल पॉइंट नॉर्थ इफ यू टेक इट टू द साउथ पोल। बेटे यस एमसीक्यूज है, कौन सर, सा सीरियल नंबर बता। क्यूज सेवंथ, सेवंथ एमसीक्यू बेटे। इलेवेंथ जो बेटे सुनो, अगर आपने नियर अदर मैग्नेट्स रख दिया तो वो गड़बड़ है। कैसे? सुनो, जब आपने उसको दूसरी मैग्नेट के पास रखा ना, एक मैग्नेट आपने ऐसे रख दिया नॉर्थ साउथ, मान लो दूसरा मैग्नेट ऐसे पड़ा है, कैसे पड़ा है, साउथ नॉर्थ, तो ये आपस में लड़ना, अगर एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब करेंगे। ओके, तो वो तरीका गलत है। हाँ, अगर आप इसको ऐसे रखो मेथड, ये नॉर्थ ये साउथ, दूसरी मैग्नेट ऐसे रखो नॉर्थ साउथ, तीसरी मैग्नेट ऐसे रखो नॉर्थ साउथ, तो ये तरीका सही है। हाँ, मैंने ऐसे तो इसमें तो मेथड तो मेंशन ही ना करा हुआ, इसलिए सोचा था हम उस वो डाउटफुल मेथड है, हमने उसको टिक नहीं करा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे सर, वो नहीं समझ रहे। नंबर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की जो बोलो सर कार्ड वाली सर, बेटे, सीरियल नंबर क्वेश्चन का, फर्स्ट एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू। अच्छा कार वाला, उसका तो मैंने आपको सिर्फ लॉजिक बताया। कार 1 एंड 2 विल कम क्लोजर, 1 और 2 क्लोजर आएंगे कि नहीं आएंगे? रॉन्ग। क्यों? मैं इसको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, एक बच्चे को डाउट है तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे देखो,
वन में इस तो रॉड काफी काफी का पर उत्तर होगा डाइट मतलब लिखा हुआ है हां बट इज डाइट दूसरे कार में। क्वेश्चन नंबर ठीक वन की बात कर रहे हैं, यहाँ नॉर्थ साउथ है। तीसरी कार में यहाँ नॉर्थ साउथ है। फोर्थ कार में यहाँ साउथ नॉर्थ है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है और टू आपस में अट्रैक्ट करेंगे, गलत। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहा है कार वन एंड टू विल मूव अवे, वन एंड टू विल मूव अवे। सेकेंड क्वेश्चन का एक पार्ट सही हुआ, लेकिन साथ में कह रहा है बी फिगर में, बी फिगर में क्या कह रहा है बेटे, कार नंबर थ्री एंड फोर विल मूव अवे। थ्री एंड फोर तो मूव नहीं करेंगे, ये तो अट्रैक्ट करेंगे। देखो अट्रैक्ट करेंगे ना सिमिलर बोल। सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में वन एंड टू विल मूव अवे, वन एंड टू विल मूव अवे। ठीक है, वन और टू मूव अवे करेंगे, थ्री एंड फोर विल कम क्लोजर, ये आपस में पास आएंगे, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में दोनों चीजें सही हैं, टिक हो गया। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो बच्चे बाकी के क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। आपने रीजनिंग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फोर से आगे बढ़ करके आने हैं, फोर से। ओके, फोर से आगे आप करके आओगे, जो नहीं समझ आएगा हम बताएंगे। अब हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर को। आज का लेक्चर अगर समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड। थैंक यू।